बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, एक और एग्ज़ाम्पल आपको करवाती हूँ जो कि कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। हमारे पास क्या था, हमने जो प्रीवियस एग्ज़ाम्पल्स की थी उसमें आपको गिवन था कि जी हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है और डिफरेंट लिमिट्स गिवन थी। अब जो हमने एग्ज़ाम्पल करनी है इस लेक्चर में, वो हमारे पास क्या है कि एग्ज़ाम्पल नंबर 12.18 है। अ कॉन्टीन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स विच एज्यूम्स वैल्यूज बिटवीन एक्स इज इक्वल टू दिस वन एक्स, मतलब टू लिमिट्स आपको गिवन दे दी गई हैं। लोअर लिमिट्स आपको टू की दे दी गई है और अपर लिमिट्स आपके पास फाइव है। हैज़ अ डेंसिटी फंक्शंस गिवन, ये आपको डेंसिटी फंक्शन वो कहते हैं वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, आपने फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आपको जो लिमिट्स गिवन है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो आपने याद रखना है, वो आपके पास अक्सर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको सम कांस्टेंट गिवन हो जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको के गिवन हो, वो ए की सूरत में हो सकते हैं, कुछ और आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो सकती हैं। जी आपके पास ये कांस्टेंट है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेजॉरिटी आपके पास के और ए की सूरत में ही आ रहे होते हैं। अब के की सूरत में उन्होंने कहा है कि वेयर के इज़ द कांस्टेंट और आपने वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सेम आपने रूल अप्लाई करना है कांस्टेंट वाला, जैसे कि हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे। अब मैं इसका मेथड जब सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि लिमिट्स आपको गिवन है तो ये आपको बड़ा ही ईजी लगेगा और ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, क्योंकि मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड करवाऊंगी, मैं आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड ही करवाऊंगी, वो आपके लिए इजी भी और आपको समझ में भी आएगा। अच्छा ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो तो फुलफिल हो रहा है, 2 to 5 है। देन हमारे पास था कि इंटीग्रेशन जब आप लोगे फंक्शन के तो वो इज इक्वल टू 1 आएगा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ स्टूडेंट हमें एफ एक्स की जगह जो है वो फंक्शन गिवन है, फंक्शन आपके पास क्या है 1 + this 1 आपके पास फंक्शन गिवन है, तो आप एफ एक्स की जगह ये फंक्शन की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। हमने क्या किया कि फंक्शन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, साथ में लोअर लिमिट हमें 2 गिवन थी, अपर लिमिट 5 गिवन थी एंड dx। अब स्टूडेंट कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, आपने करनी है इंटीग्रेशन अप्लाई। इंटीग्रेशन जब आप अप्लाई करोगे तो 1 + x एंड dx। अब आप देखें यहाँ 1 इनकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास x आएगा प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि पावर में 1 ऐड, और यही पावर आप दोबारा लिखोगे नीचे, तो हमारे पास x + x^2 एंड डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास शेप आ जाएगी। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, वही चीज़ के लिमिट्स अप्लाई करनी है, और लिमिट्स में आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो पहले आपने लिमिट्स x की वैल्यूज़ में पुट करनी है वो आपने 5 की लिमिट्स पुट करनी है, माइनस करने हैं उससे 2 की लिमिट से, लोअर लिमिट से। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 27k/2 = 1। अच्छा 1 हमने क्यों लिखा है स्टूडेंट, हमने खुद कहा है कि जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपको माइंड में रखनी है, और हम कहते हैं इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो तो = 1 आना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व = 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। अब आपने फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो जो इसके साथ वैल्यूज है आप उसे दूसरी साइड पर ले जाओ, तो आपके पास इजीली के की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या था, 27k/2 था, आप जिसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये 2/27 हो जाएगा, तो आपके पास जो के की वैल्यू वो हो जाएगी सॉल्व। अब जो आगे स्टूडेंट आप लिमिट्स पुट करोगे ना, उसमें आपको के की वैल्यूज जो है वो लिखनी है, ना कि आपने के को मेंशन करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी के की वैल्यू आ गई है। आपने के को उस वक्त तक मेंशन किया जब तक आपके पास के की वैल्यूज़ नहीं थी, जब आप के की वैल्यू को सॉल्व कर लोगे फिर आपने के की वैल्यू को ही लिखना है। अब आप देखो कि आपके पास फंक्शंस गिवन है, आप लिमिट्स भी आपको गिवन है, के की जगह आपने 2/27 लिखना है, हमने के की जगह ये लिख दिया और बाकी फंक्शन आपने सॉल्व करना है, सेम इसमें लिमिट्स पुट करनी है, सेम प्रोसेस है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट जो इसका स्टूडेंट आपको बताया गया है, उसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो अपर लिमिट्स है वो 4 है, लोअर लिमिट्स आप खुद मालूम कर लें। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी कि अगर मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि अगर आपको लिमिट्स 1 गिवन होती है, दूसरी लिमिट्स नहीं गिवन होती, तो ऑलरेडी जो मेन इंटरवल होता है ना, वो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा होता है कि हमारे पास जो एक्स है वो = 2 है और x = 5 है, मेन इंटरवल बता रहे हैं, इनके दरमियान अगर कोई भी वैल्यू वो दे देते हैं ना, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। अगर लोअर लिमिट्स देने हैं तो अपर लिमिट्स आपको पता है, अगर अपर लिमिट्स कोई वो मेंशन कर रहे हैं अपने से तो लोअर लिमिट्स आपको पता है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आई है, उन्होंने कहा है जी अपर लिमिट्स आपके पास 4 है, 5 आपने नहीं लेनी है, आपने क्या लेना है 4 लेना है, जब 4 वो कह रहे हैं तो लोअर लिमिट्स में आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, लोअर लिमिट्स आपके पास क्या होगी
टू होगी, आपने टू को लोअर लिमिट्स ले लेने। अब हमने सिंपली ये लिमिट्स पुट करनी है फंक्शन की जगह के की वैल्यू, के की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले लेनी है, फंक्शन को आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करनी है। और अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ कि लिमिट्स पहले आपने अपर अप्लाई करनी है देन माइनस लोअर करनी है, जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है इन टॉपिक्स में आप मुझे बता सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करें वीडियोस, चैनल का लिंक, ताकि सब स्टूडेंट इससे जितना भी हो सके फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।